नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से खबर सामने रही, जहां फतेहपुर में वर्ल्ड मेंटल अल्जाइमर सप्ताह के मौके पर मानसिक रोग विशेषज्ञों ने स्कूलों में जाकर बच्चों से बात की, साथ ही उन्हें डिप्रेशन और अल्जाइमर के बारे में भी बताया। नजर डाल दो उत्तर प्रदेश से आने वाली इस खबर पर एक नजर, दिन की विशेष रिपोर्ट पर एक नजर। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में वर्ल्ड मेंटल अल्जाइमर सप्ताह के मौके पर मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ स्कूलों में जा जाकर बच्चों को अल्जाइमर और डिमेंशिया के मरीजों की पहचान और इस प्रकार के मरीजों की देखरेख की किस प्रकार करनी है, उनकी देखरेख बताया, यह बताने के प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर ललित प्रताप सिंह ने बताया, बच्चों को मानसिक रोग विभाग का हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। इस तरह के मरीजों की समस्याओं के समाधान के लिए वह तुरंत कॉल कर सकते हैं। जहां आपको बता दें कि कॉल करने का समय भी निर्धारित किया गया है 10 बजे से शाम 4 बजे तक। वहीं मनोरोग वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सरवर बेग ने डिमेंशिया नामक बीमारी के बारे में मीडिया के माध्यम से विस्तार से इस रोग के बारे में जानकारी दी। बताया कि यह एक मानसिक रोग है, यह रोग कब और किस उम्र में होने की संभावना होती है और इस रोग से बचाव के बारे में भी बताया। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी हंगामा टाइम्स। सप्ताह चल रहा है, इसमें अल्जाइमर्स बीमारी लोगों को होती है, किस तरह की बीमारी है, क्या बचने के उपाय हैं, किस उम्र के लोगों को अधिकतर होती है? जी, डिमेंशिया दरअसल एक मानसिक बीमारी है जो कि आमतौर पर वो लोग जो कि वृद्धता में हैं, जिनकी उम्र 65 वर्ष के ऊपर है, उनमें ये बीमारी पाए जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। और 65 साल की उम्र के ऊपर जब ये बीमारी होती है तो ये आमतौर पर देखा जाता है। अगर 65 की आयु के अगले ही बीमारी हो जा रही है तो उसे हम अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया में ये पाया जाता है कि जो मरीज़ है उसको अपनी मेमोरी यानी कि जो उसकी याददाश्त है उसमें कमज़ोरियों के साथ साथ और उसके कुछ कॉग्निशन मतलब जो कुछ थिंकिंग कैपेसिटीज होती हैं उसमें भी दिक्कत होती है। डिमेंशिया का मरीज़ आपको कुछ सवालों के जवाब बताने में जूझता हुआ दिखेगा, जैसे कि उसको इस चीज़ का इल्म जानकारी नहीं रहेगी कि किस जगह पे वो बैठा है, क्या तारीख चल रहा है, बचने के क्या उपाय हैं इस तरह की बीमारी से। का उपाय ये है कि देखिए, डिमेंशिया जो होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि एक दिमागी रसायन होता है एसिटिल्कोलाइन, उसका लेवल गिर जाने के कारण होता है। तो बचने के जो फैक्टर हैं, जो बचने के लिए जो हम कर सकते हैं, तो हम अब अगर अपनी डाइट और अपनी जीवन शैली को हम रेगुलेटेड रखें, उसके बारे में हम केयरफुल रहें, अपना कोलेस्ट्रॉल हम कम रखें, अपना ब्लड प्रेशर हम कंट्रोल रहें, हम फिजिकली एक्टिव रहें, हम मेंटली एक्टिव रहें, जैसे कि रीडिंग की हैबिट है, नई नई भाषाएं, नए नए हुनर सीखते रहना, ये चीज़ें ऐसी हैं कि पाया गया है इस तरह की चीज़ें करने से हमारा माइंड शार्प रहता है और डिमेंशिया के होने की संभावना कम हो जाती है। एक ये प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होता है, एक आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल, डिफरेंट चीज़ों में अपने को जितना आप इन्वॉल्व रखते हैं, मैथ्स करना, नई नई लैंग्वेजेस सीखना, नए नए हुनर सीखना, ये सारी चीज़ें प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में होती हैं। किस उम्र के अधिक होते हैं मरीजों में इस तरह की? आमतौर पर ये पाया गया है कि 65 की उम्र के ऊपर यानी कि 65 एंड अबव का जो एज ग्रुप है उसमें एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो 65 एंड अबव वाले एज ग्रुप में और विद एडवांसिंग एज, जैसे जैसे आप उससे और आपकी एज आगे बढ़ती जाती है तो ये चीज़ होने की संभावना बढ़ती है। लेकिन जो अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया है उसमें 65 के पहले भी है, लेकिन अगर 55-60 साल के लोगों में भी ये बीमारी और इसके लक्षण। कुछ विशेष तरह की एक्सरसाइज या उपाय वगैरह हैं जिससे इस तरह के बीमारियों से बचा जा सकता है? देखिए, मोटा मोटी वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि आदमी फिजिकली फिट रहे, फिजिकल फिटनेस और अपनी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रहे। अगर जैसे कि ये संभव है कि अगर मान लीजिए कि आप बाज़ार जा रहे हैं और बाज़ार आपके घर से बहुत दूर नहीं है, तो बजाय आप स्कूटर निकालने के या साइकिल निकालने की अगर आप पैदल चल सकें कुछ दूर तो वो अच्छा है। मान लीजिए आप पहले माले पर जा रहे हैं तो या दूसरे माले पर जा रहे हैं, अगर बिल्डिंग में लिफ्ट भी लगी है तो आप सीढ़ियों से जाएं, तो ये चीज़ आपको फिट रखेगी। ये थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना और इस तरह की जो रेगुलर एक्सरसाइजेज हैं बहुत बेनिफिशियल हैं। ये आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड प्रेशर सब रेगुलेटेड रखते हैं और वो रेगुलेटेड रखने से डिमेंशिया की संभावना कम हो जाती है। जी, क्या नाम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर सरवर जी। जी डॉक्टर साहब, इस समय डिमेंशिया जागरूकता सप्ताह चल रहा है, किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएँ की गई हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं ज़िले में? सबसे पहले मैं अपने जिले वासी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा कि आप लोगों ने सपोर्ट किया है और करते रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिमेंशिया सप्ताह 20 सितंबर से 26 तक चल रहा है, जिसके तहत लोगों को
इस परेशानी के बारे में जागरूक किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमें परिवार में रह रहे बच्चों बड़े लोगों को करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि एक वृद्ध इंसान को डिमेंशिया हो रहा है तो उसको बच्चों को पता होना चाहिए कि उनको कैसे है, उनको भूलने की भी बीमारी हो सकती है, वो चीज़ों को भूल जाएंगे। तो इसके तहत हमारा प्रोग्राम मानसिक रोग विभाग कई पहलुओं पर काम कर रहा है। किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? जिसके अंतर्गत स्कूल कॉलेज लेवल पर भी हम लोगों को इसकी जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अभी कल हमने GIC कॉलेज के प्रिंसिपल सर से मिलके लोगों को, वहाँ के बच्चों को हमने जागरूक किया कि आपके घर में अगर इस तरीके के सिम्टम्स के व्यक्ति मिलते हैं तो उनको किस किस तरीके से मैनेज करना है, उनको किस किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। इसके बाद हम पब्लिकली भी लोगों को अवगत करा रहे हैं, क्योंकि मेडिकल विभाग में है, मेडिकल के लोगों को भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि लोग जितना ज़्यादा जागरूक होंगे उतना ही ज़्यादा इन सब चीज़ों से लोगों को सपोर्ट कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही हम मेडिकल विभाग, शिक्षा विभाग और अन्य विभागों से भी ससमय कॉन्टैक्ट करते हैं।